बच्चे को कभी नाना और नानी के यहां ज्यादा नहीं भेजना चाहिए। नाना नानी की परंपराएं अलग होती हैं और दादा दादी की परंपराएं अलग होती हैं। नाना नानी को सौंप दिया था, मामा को सौंप दिया था। एक बेटा इस हिंदुस्तान में, एक मां ने उस सौंपने के कारण इस पूरे हिंदुस्तान में महाविध्वंस हो गया। पूछो तो बताऊं नहीं, रहने दो, बोलो। हुआ ऐसा था कि गांधारी ने 100 पुत्र पैदा किए, अब अकेली पाल तो सकती नहीं थी, अब क्या करे। और उसे पिता में भीष्म पे भरोसा नहीं था, अपने बाबा पर। अरे अपने माँ बाप, अपने दादा दादी होंगे तो अच्छे संस्कार देंगे, कभी बुरे तो देंगे नहीं, क्योंकि अपना वंश है, अपना अंश है, अपना खून है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे और अपने दिल का प्यार लुटाएंगे। पिता में भीष्म के गोद में दुर्योधन खेला होता तो महाभारत नहीं होता। लेकिन गांधारी ने सबसे गलत काम किया, अपने बेटे का हाथ अपने बेटे को लिया गोदी में और शकुनी की गोद में दे दिया कि मेरो भैया। अपने मायके के पक्ष में कभी भी अभी संतान को ज्यादा नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि दादा दादी का पहला हक है, उनका खून है, उनका वारिस है, वो बच्ची हो या बच्चा हो। नाना नानी अपना खेत नाम नहीं कर देंगे तुम्हारे बच्चे के, दादा दादी अपना जीवन देते हैं अपने बच्चे के लिए। दादा दादी का हक होता है, लेकिन जो अपने दादा दादी से अपनी संतान को बचाते हैं हैं, और अपने मायके में मौसी को देंगे, मामा को देंगे, हैं, नानी को देंगे, नाना को देंगे, ठीक है कभी कभी दे दो, साल में 6 महीना में अच्छी बात है, लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा देना अपने घर में विनाश की नींव लगा देना है। ये मैं महाभारत का प्रमाण बता रहा हूं। दूसरा प्रमाण बता रहा हूं, यदि केकई अपने मायके से यदि मंथरा को संग में न लाई होती और संग में नहीं रखती तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता, और मंथरा के कारण जो कलंक लगा, किसको? केकई को। केकई से लगता तो ये था कि ये मेरी हित करने वाली है, लेकिन हित करने वाली नहीं थी, लग रहा था, क्योंकि फूट डालने वाली बात करते हैं वो लोग, मायके के लोग ये कहते हैं मेरी बेटी, बस उसमें मेरी बेटी के हक में जो हो, घर में फूट पड़े, चाहे घर में बैर पड़े, चाहे सास ससुर का कुछ भी हो, चाहे दादा दादी मरे या जिए, मेरी बेटी मैन। जब ऐसा भाव रहेगा तो उस घर में कलेश तो होगा ही। इसलिए मेरी प्रार्थना, दो चीजों से अपनी संतान को थोड़ा सा दूर रखिएगा, मेरी बात कभी तुमको याद आएगी। यदि तुमने न मानी और रखा अपनी संतान को, यदि मोबाइल के हवाले कर दिया अथवा अपने मायके के हवाले कर दिया तो दुर्योधन के जैसा हो जाएगा या केकई के जैसा हो जाएगा। अरे अपने दादा दादी है ना, अपना खून है, चाहे वो कैसे हो, लेकिन अपनी संतान को कभी गलत शिक्षा या गलत वो नहीं करेंगे। ये मेरी निवेदन है आप सभी बहुओं से। और पता है जब बच्चा बोलता है दादी को कितनी खुशी होती है, हैं? और गांव में मेरे भारत की कहावत है, मूल से प्यारी ब्याज होती है। ऐसे ही बेटा से प्यारे नाती और नातनी हुआ करते हैं, हैं? देखो कैसे नाती नातनियों को ले लेकर के लोग आते हैं, हैं? और बहू को तो सुविधा है, दादा दादी में प्रेम हो जाए बच्चों का तो बच्चों का भविष्य बन जाएगा। अभी ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो धर्म और कर्म पर संतान चलेगी।